हुआ है ना। हाँ बनाया अच्छा। के 2 बज रहे हैं अभी और हम हैं अभी बहुत ज्यादा मस्कीटो लग रहे हैं तो और एनजीओ सारे पूरी होने वाली है तो अरे रुक जा भाई तू बीच में भाग। सोमो तो पहले पियो। मैंने क्या लिया यहाँ से 7:30 हो रहे हैं 7:30 कुछ छोड़े तो नहीं थे वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट घूमने का मजा ही कुछ और है रास्तों में। ये बड़ी बुल्लड यहाँ नहीं है लेकिन ये तो ऐसे लगता है प्रसाद की तरह से खा रही है। सबसे घुसा करो ना मेरी साइड से हमेशा घुस जा। अभी उधर चलेंगे तब बॉटल में पानी ले लेना तुम। सही लग रहा है तुम कि काम चलाऊ है ना। इतना बढ़िया नहीं है आजकल सोया चाप। सोया अच्छा नहीं है पर टेस्ट अच्छा है। हाँ बनाया अच्छा इन्होंने। हाँ शानू अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा भाई। रात के 2 बज रहे हैं अभी और हम हैं आगरा के टोल प्लाजा पे और इधर सौम्या शानवी पीछे हैं। शानवी तो सो गई थी बट जग गई हैं अभी और अभी बहुत ज़्यादा मस्कीटो लग रहे हैं तो उसको हटाने में लगी हुई है। बस 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 सीट न गिर जाए बेटा। सीट में 10 लोग लगा के रखे। एक्चुअली हम लोग को निकलना पड़ा और रीज़न ये था कि हमारे जो फादर इन लॉ है उनकी तबीयत ठीक नहीं है और एनजीओ थेरेपी होने वाली है तो उसकी वजह से हम लोगों को निकलना पड़ा। अभी देखते हैं जाके कि वहाँ पे क्या होता है और कितने बजे हम बनारस पहुँचते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकले थे 11 बजे यहाँ 2 बजे हम आगरा पहुँचे हैं और अब बनारस देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। ये हम जा रहे हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे और यहाँ पे देखिए इतनी सारी साइड्स में जो है ना रोड साइड जो लाइट्स लगी होती हैं वो लगी हुई हैं लेकिन जल एक भी नहीं रही है। लगी सारी की सारी हैं और दोनों साइड लगी हैं बट जल नहीं रही है एक भी। तो ये है लखनऊ एक्सप्रेसवे का हाल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे यहाँ से चढ़ेंगे। जब यहाँ आए हैं तब यहाँ पे दिखाई दिया लाइट। चलो ये अभी बना है ना ये वाला तो कौन सा ये वाला एक्सप्रेसवे ये पहले से ही बना हुआ था। हाँ ये तो बना अभी है अखिलेश जी ने बनाया इसको। यहाँ पे एटलीस्ट लाइट है। पीछे वाले पे लाइट थी पर लाइट जल नहीं रही थी एक भी। ये सही लग रहा है। मैं तो सोच रही थी कि पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे इसी तरह से अंधेरे में रहेगा पर शुक्र है कि कम से कम इधर लाइट्स लगी हुई है। देखते हैं कहाँ तक है ये लाइट्स। जब यहाँ आए हैं तब यहाँ पे दिखाई दिया लाइट्स। चलो ये अभी बना है ना ये वाला तो कौन सा ये वाला एक्सप्रेसवे ये पहले से ही बना हुआ था। हाँ ये तो बना अभी है अखिलेश जी ने बनाया इसको। यहाँ पे एटलीस्ट लाइट है। पीछे वाले पे लाइट्स थी पर लाइट जल नहीं रही थी एक भी। ये सही लग रहा है। मैं तो सोच रही थी कि पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे इसी तरह से अंधेरे में रहेगा पर शुक्र है कि कम से कम इधर लाइट्स लगी हुई है। देखते हैं कहाँ तक है ये लाइट्स। इस पर नहीं डाल सकती आप ये लाइट ही नहीं है इस पे कहीं भी। यहाँ पे
बेस्ट ऑफ अ वर्ल्ड। हाईवे पे चल रही है तो लाइट होनी चाहिए, गाड़ी की लाइट से चलती है हाईवे। सिर्फ कट पे लाइट लगाया हुआ है, जहाँ तक कन्वे होगा उतरेगा वहाँ पे। और सेफ्टी के हिसाब से लाइट यहाँ भी रहनी चाहिए, जो सोलर वाली रहनी चाहिए ना, सोलर से लाइट होनी चाहिए। हाँ, सोलर से चार्ज हो जाए रात में, फिर ऑटोमेटिक अपना जल जाए, फिर दिन में सोलर से चार्ज हो जाए। मतलब वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं खर्च होगी ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। रोशनी मिलेगी तो एक्सीडेंट कम होंगे, जानवर नहीं आएंगे मेरी। बहुत फायदा है रोशनी रहने के, मच्छर साले कई बार भी हैं सब, कई बार कान पे आ रहे हैं, कभी कहीं आ रहे हैं। अगर हाईवे पे रोशनी है भरपूर तो बहुत फायदे होते हैं, लूट पाट पशु हर चीज से सुविधा और सुरक्षित इंसान रहता है। अब तो मोटर की लाइक थी अल्टो लाइक, तो थकान थकान तो हो जाएगी और चेहरे में तुम्हारे तो दाने से हो जाएंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि शानू आज 4 बजे भोर में उठ गई है। शानू अभी थोड़ी डगर गई है, सोई ही कहाँ, यही कह सकते, सोई थी गिर गई, सोई थी गिर गई। सोए सोए ऐसी करवट मारी कि बस उठ ही गई। बेड समझ के गजब करवट मारा है इसने, लेकिन हमारे सही टाइम पे जगा दिया, सही टाइम पे जगा दिया ना। बेटा सो जाइए थोड़ी देर और ना, ये तो खराब ही तबीयत खराब जाएगी बच्चे। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में सनराइज होगा फिर हम, फिर मैं जगा दूंगा आपको। आ जाओ पी लो फिर कर लेना तो ठंडी हो जाएगी। लो लो पहले पियो, सोमू काम करने में लगी है। उसके सारे बाल खराब हो गए ना गाड़ी में सोए सोए। अब ये रहा मेरी चाय, अंकल ने मिट्टी के बुलहर में दिया है चाय। कैसी लग रही डियर, अच्छी लग रही है, पी लिया बहुत जल्दी। मैंने क्या लिया यहाँ से, ये शायद
गेहूं के है ना, गेहूं के गेहूं है उसके अंदर दाने हैं। बोतल हटा देखो, गेहूं के अंदर दाने, इसी से हमारा आटा बनेगा। अंडा बनेगा, आटा अच्छा। हाँ, इससे आटा बनेगा। एक हाँ लगा लिया है, बस चलेंगे। हाँ बेल्ट लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे खेतों में काम करने लगे लोग, काट रहे हैं अभी। हाँ? कितनी धूप हो गई है ना यहाँ पे। हाँ? जबरदस्त वाली एकदम धूप हो गई है भाई। लग रहा है जैसे कि 11-12 बज गए हैं और अभी 7:30 हो रहे हैं। 7:30 कुछ छोड़े तो नहीं थे वहाँ पे उन्होंने? नहीं, कुछ उतारे नहीं थे ना। घूमने का मजा ही कुछ और है रास्तों में, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं कि ऐसे टाइम पे जा रहे हैं कि बाहर जा रहा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। ये देखो दी यहाँ पे क्या है, उधर बन गई है। टाइम लगेगा, इतनी छोटी। चलो चलो, फेस भूल लिया, इनको नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो फेस धुलना था, फेस धुल लिया। हमने सोचा फिर से चाय पी लेंगे, लेकिन वही छोटी वाली कुल्हड़ जो है वो रखा था उन्होंने, इसलिए चाय नहीं लिया हमने। अब आगे देखेंगे। ये तो ऐसे लगता है प्रसाद की तरह से खा रही है। पीने लायक है? अरे नहीं, आप पानी डालना बेटा, आप ऐसे मत करिए, इधर ही पानी आएगा, कचकच होगा सब। भैया पाइप से धुलाई कर रहे हैं। चलो चलो चम्मच रखो, चलो समझ बंद करो बेटा, वो करिए। मैं भी थोड़ा सा। तुम अपनी तरफ से घुसा करो ना, मेरी साइड से हमेशा घुस जाती हो। तो यहाँ पे ये काफी का आनंद ले रही हैं। अभी उधर चलेंगे तब बॉटल में पानी ले लेना तुम। बॉटल खाली है तुम की? पूरी तरह से नहीं। अच्छा लग रहा है यार, अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, करेक्ट 1 बज रहा है, और हम पहुंच गए हैं BHC हॉस्पिटल में। और आगे की वीडियो शायद मैं ना बना पाऊँ, तो आपसे बाद में फिर मिलूँगी। अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में। इधर शानू पापा, इधर शोमू। शोमू दिख रही है मुझे तो, सब ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, दिख रहे हो? सब पहुंच गए हैं, अब बस चलते हैं पापा को देखने। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, अभी एक जन आ रहे हैं तो उनके साथ हम लोग अंदर हॉस्पिटल में जाएंगे। ऐसा भी होगा देख के आप सभी को शेयर करेंगे।